हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 9 का प्रैक्टिस सेट 8.1 देखेंगे। ये जो प्रैक्टिस सेट है ट्रिग्नोमेट्री इस लेसन का है। तो ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या होता है, इसको अगर हम अलग अलग रीड करेंगे तो ट्राइगोनोमेट्री, ट्राई मीन्स थ्री, गोनो मीन्स साइड्स, मेट्रो मीन्स मेजरमेंट। थ्री साइड वाली फिगर की मेजरमेंट हम इस लेसन में सीखने वाले हैं। ओके, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है देखो। इन द फिगर एंगल आर is the right angle of triangle PQR. Write the following ratios. इस फिगर में आर ई एंगल राइट एंगल है, ओके, और हमें ये रेशो राइट करने हैं। देखो यहाँ पे पहला रेशो है साइन पी, दूसरा है कॉस क्यू, तीसरा है टेन पी और फोर्थ वन है टेन क्यू। अभी साइन कॉस टेन ये तीन रेशो हम राइट एंगल ट्रायंगल के राइट एंगल छोड़कर अदर जो दो एंगल है एक्यूट एंगल उनका रेशो हम राइट कर सकते हैं। ओके, तो देखो साइन कॉस टेन रेशो कैसे राइट करेंगे। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, साइन इक्वल टू अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस, ऐसा लिखा है। साइन रेशो लिखते टाइम हमें अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस लेना होता है, ऐसा अगर हम लिखेंगे तो वो हो जाएगा साइन रेशो। पर अगर साइन रेशो हमें पी इस एंगल का अगर लिखना है तो यहाँ पे हमें साइन पी लेना होगा। साइन पी रेशो लिखना है तो अपोजिट साइड किसकी लेनी होगी, अपोजिट साइड ऑफ एंगल पी, पी इस एंगल की अपोजिट साइड लेनी होगी। साइन पी लिया इसलिए अपोजिट साइड ऑफ एंगल पी, साइन क्यू लिया तो अपोजिट साइड ऑफ एंगल क्यू रहेगा। यहाँ पे आया समझ में, यहाँ पे हम पी लेते हैं तो P इस एंगल का ही यहाँ पे पहले हमें अपोजिट साइड लेनी है और उसको हमें करना है हाइपोटेनियस से डिवाइड। बुक में ही दिया है अगर हमें साइन रेशो लिखना है तो अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस लेना होता है। तो चलो बुक में एक बार फॉर्मूलेज देख लेते हैं सभी रेशोज के। तो देखो साइन रेशो, कॉस रेशो एंड टैन रेशो। साइन रेशो अगर लेना है तो अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस, कॉस रेशो लेना है तो एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस, टैन रेशो लेना है तो अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड लेना होता है। अभी यहाँ पे देखो साइन थीटा अगर लेना है हमें, थीटा का साइन रेशो लिखना है, थीटा इस एंगल की अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस लेना होता है। ओके, अभी कॉस थीटा, थीटा इस एंगल का कॉस रेशो अगर लिखना है तो इस एंगल के एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस लेंगे हम। एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस लिया तो वो हो जाएगा कॉस रेशो। ओके, और टैन थीटा लेना है, थीटा इस एंगल का टैन रेशो अगर हमें लिखना है तो इस एंगल की अपोजिट साइड बाय इस एडजेसेंट साइड लेना होगा हमें। यहाँ पे अपोजिट साइड लिखा है, गलती से हो गया उनसे। ओके, यहाँ पे एडजेसेंट साइड चाहिए था, अपोजिट साइड ऑफ एंगल क्यू बाय एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल क्यू। ओके, अभी हम इस सभी रेशो के बेस्ट दिए गए क्वेश्चन के आंसर राइट करेंगे। अभी साइन पी इक्वल टू अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल पी बाय हाइपोटेनियस। अभी ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल की जो अपोजिट साइड रहती ये रहती हाइपोटेनियस। ये हमारी कौन साइड है, हाइपोटेनस साइड है। ओके, ये हाइपोटेनियस साइड हो गई। ओके, अभी इन पी रेशो लिखना है तो हम अपोजिट साइड ऑफ एंगल पी। अभी एंगल पी ये जो है इसके अपोजिट साइड कौन सी हो गई, देखो ये आर क्यू और क्यू आर भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर साइन पी इक्वल टू क्यू आर बाय हाइपोटेनियस है तो हम पी क्यू लिखेंगे, क्यू आर बाय पी क्यू। ओके, तो साइन पी रेशो क्या आ गया, क्यू आर बाय पी क्यू। अभी कॉस रेशो लिखना है, कॉस रेशो क्यू इस एंगल का लिखना है तो यहाँ पे हम कॉस क्यू लेंगे, और कॉस क्यू अगर हमें लेना है तो क्यू इस एंगल की एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल क्यू बाय हाइपोटेनियस लेना होता है। इस क्यू इस एंगल की एडजेसेंट साइड कौन सी है, देखो ये क्यू एंगल है, एडजेसेंट साइड कौन सी रहती है, इसकी बाजू वाली हाइपोटेनियस, या ये हम नहीं ले सकते तो क्यू एस एंगल की एडजेसेंट साइड कौन सी लेनी होगी हमें, क्यू आर ये एडजेसेंट साइड लेनी होगी। तो एडजेसेंट साइड कौन सी आ गई, क्यू आर, और हाइपोटेनियस लेना तो हाइपोटेनियस कौन सा है, पी क्यू या हाइपोटेनियस है तो हम पी क्यू ऐसा लिखेंगे, इक्वल टू कॉस क्यू
इक्वल टू क्यू आर बाय पी क्यू। आया समझ में? बहुत इजी है, हमें सिर्फ साइन कॉस टैन इनके रेशो लिखते टाइम अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस एंड अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, ये याद करके हमें ये सभी वैल्यूज पुट कर लेनी है। बहुत ही इजी है। ओके, अभी टैन रेशो लिखना है, टैन पी, पी इस एंगल का टैन रेशो लिखना है, तो टैन पी लिखेंगे हम यहाँ पे। टैन रेशो लिखते टाइम हम अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड लेते हैं, पर कौन से पी इस एंगल का टैन रेशो लिखना है, तो पी इसी एंगल की अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड लेनी होगी। अपोजिट साइड ऑफ एंगल पी डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल पी। अभी तो पी इस एंगल की अपोजिट साइड कौन सी हो गई, क्यू आर, ये अपोजिट साइड हो गई, तो हम क्यू आर लिखेंगे। और पी इस एंगल की एडजेसेंट साइड कौन सी हो गई, ये पी एंगल है, इसकी एडजेसेंट साइड ये लेनी होगी। ये भी एडजेसेंट ही है पर ये हाइपोटेनियस है, तो हमें ये लेनी होगी, तो हम लेंगे पी आर। ओके, तो क्यू आर बाय पी आर आएगा हमारा टैन पी रेशो। ओके, देयरफोर टैन पी इक्वल टू क्यू आर बाय पी आर। अभी फोर्थ वन, हमें टैन रेशो ही लेना है, पर टैन रेशो क्यों इस एंगल का लेना है, तो क्यों एंगल का टैन रेशो लिखते टाइम अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड लेते हैं हम। टैन रेशो लिखते टाइम अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड लेते हैं, तो टैन रेशो अगर हमें क्यों इस एंगल का लेना है, तो अपोजिट साइड ऑफ एंगल क्यू बाय एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल क्यू लेंगे हम, बराबर। अभी Q इस एंगल की अपोजिट साइड कौन सी है, ये Q एंगल, इसकी अपोजिट साइड कौन सी हो गई, ये Q एंगल, इसकी अपोजिट साइड ये पी आर। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पी आर। और एडजेसेंट साइड कौन सी हो गई, Q इस एंगल की एडजेसेंट साइड ये हो गई क्यू आर। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफोर टैन क्यू इक्वल टू पी आर बाय क्यू आर। क्वेश्चन टू है, इन द राइट एंगल ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए बी सी आर द लेंथ्स ऑफ द साइड्स एज शोन इन द फिगर, राइट द फॉलोइंग रेशोज। देखो एक्स वाई जेड ये ट्रायंगल दिया गया है, इस ट्रायंगल की साइड्स लेंथ दी गई है, ये साइड की लेंथ बी, इस साइड की लेंथ ए, इस साइड की लेंथ सी दी गई है, और हमें रेशो राइट करना है। अभी साइन रेशो लिखते टाइम हम क्या करते हैं, अपोजिट साइड्स बाय हाइपोटेनियस लेते हैं। पहले हमें साइन एक्स लिखना है, मीन्स एक्स इस एंगल का साइन रेशो लिखना है, तो साइन एक्स हम यहाँ पे लेंगे। साइन रेशो लिखते टाइम हम क्या करते हैं, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस लेते हैं। अभी अपोजिट साइड किसकी लेनी होगी, यहाँ पे एक्स लिया है तो एंगल एक्स की अपोजिट साइड लेनी होगी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अपोजिट साइड ऑफ एंगल एक्स बाय हाइपोटेनियस। अभी अपोजिट साइड कौन सी है एंगल एक्स की, ये एक्स एंगल है, इस एक्स एंगल की अपोजिट साइड कौन सी हो गई, देखो इसकी ये अपोजिट हो गई कि नहीं, तो वाई जेड ये अपोजिट साइड हो गई, तो यहाँ पे हम वाई जेड ऐसा लिखेंगे। उसके बाद हाइपोटेनियस लेना है नीचे, हाइपोटेनियस कौन सी है, राइट एंगल ये है, इसकी अपोजिट साइड ऑलवेज हाइपोटेनियस रहती है, एच लिखती हूँ और ये है हाइपोटेनियस। ओके, तो हाइपोटेनियस क्या है, एक्स जेड, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स जेड। अभी वाई जेड एंड एक्स जेड इनकी लेंथ भी दी गई है, तो इनकी लेंथ हम राइट कर लेंगे। वाई जेड की लेंथ कितनी है ए, और एक्स जेड की लेंथ कितनी है सी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी। तो रेशो क्या आ गया, देयरफोर साइन एक्स इक्वल टू ए बाय सी, ये रेशो आ गया। सेकेंड हमें टैन रेशो लिखना है, सेकेंड टैन रेशो हमें जेड इस एंगल का लिखना है, तो यहाँ पे हम टैन जेड लिखेंगे। टैन जेड रेशो अगर लेना है तो अपोजिट साइड ऑफ एंगल जेड लेना होगा डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल जेड। ओके, जेड इस एंगल का ही अपोजिट साइड और जेड इसी एंगल का ही एडजेसेंट साइड हमें लेनी है। अभी जेड एंगल ये है, इसकी अपोजिट साइड ये हो गई वाई एक्स, एक्स वाई भी लिख सकते हैं, एक्स वाई अपोजिट साइड लिखी हमने एंगल जेड की। अभी हम नीचे क्या लिखना है, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल जेड, एंगल जेड ये है, इसकी एडजेसेंट साइड ये भी है और ये भी है, पर ये हाइपोटेनियस है इसलिए हम क्या लेंगे, ये एडजेसेंट साइड लेंगे, वो हमारी है वाई जेड, तो यहाँ पे हम वाई जेड ऐसा लिखेंगे। अभी देखो एक्स वाई एंड वाई जेड इनकी लेंथ भी दी गई है, तो एक्स वाई लेंथ कितनी है, एक्स वाई लेंथ है बी, और
वाई जेड लेंथ दी गई है ए, तो बी बाई ए ये रेशो आ गया टैन जेड का, देयर फोर टैन जेड इक्वल टू बी बाई ए। थर्ड वन हमें कॉस एक्स लेना है, कॉस एक्स। अभी कॉस ये रेशो एक्स इस एंगल का अगर लेना है तो एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल एक्स बाय हाइपोटेन्यूस लेंगे हम, ओके। अभी एडजेसेंट साइड कौन सी है एंगल एक्स की, इसकी एडजेसेंट साइड ये भी है और ये भी है, पर ये हाइपोटेन्यूस इसलिए हम ये लेंगे एक्स वाई, एक्स वाई बाय हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस कौन सी है ये, ओके। हाइपोटेन्यूस कौन सी है, ये साइड है, तो एक्स जेड। अभी एक्स वाई एंड एक्स जेड इनकी मेजरमेंट भी दी गई है, एक्स वाई की मेजरमेंट है बी और एक्स जेड की मेजरमेंट है सी, तो हम बी बाई सी लेंगे, बाय सी, देयर फोर एक्स इक्वल टू बी बाई सी ये रेशो आ गया। अभी हमें टैन रेशो लिखना है एस एक्स इस एंगल का, टैन रेशो एक्स एंगल का लिखना है, तो अपोजिट साइड ऑफ एंगल एक्स बाय एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल एक्स लेना होता है हमें, ओके। अभी टैन एक्स की अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड हम देख लेते हैं। एक्स इस एंगल की अपोजिट साइड है वाई जेड एंड एक्स इस एंगल की एडजेसेंट साइड है एक्स वाई, वाई जेड बाय वाई एक्स, ओके। अभी वाई जेड एंड वाई एक्स इनके वैल्यूज भी दी गई है, इनकी लेंथ भी दी गई है। वाई जेड की लेंथ है ए, तो यहाँ पे हम ए लेंगे और वाई एक्स की लेंथ है बी, तो यहाँ पे बी लेंगे हम, इक्वल टू देयर फोर टैन एक्स इक्वल टू ए बाय बी। क्वेश्चन थ्री है, इन राइट एंगल ट्रायंगल एलएमएन, एंगल एल एम एन इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल एल इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल एन इक्वल टू 40 डिग्री, राइट द फॉलोइंग रेशोज। एल एम एन ये ट्रायंगल दिया गया है, एंगल एल 50 डिग्री है, एंगल एन 40 डिग्री है, एंगल एम 90 डिग्री है, क्योंकि ये राइट एंगल है, ओके। और हमें ये रेशोज राइट करने हैं। अभी देखो साइन 50 रेशो अगर हमें राइट करना है, 50 कहाँ पे है, यहाँ पे है, 50 एंगल, 50 मेजरमेंट एंगल कौन से एंगल का है, एंगल L, तो हम साइन 50 को साइन L भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। साइन L रेशो लिखना है हमें, साइन L रेशो लिखना है तो साइन रेशो लिखते टाइम हम क्या करते हैं, L एंगल का रेशो लिखना है, इसीलिए अपोजिट साइड ऑफ एंगल L बाय हाइपोटेन्यूस लेंगे हम, ओके। अभी एंगल L का अपोजिट साइड कौन सी है, ये है एंगल एल, इस एंगल की अपोजिट साइड ये है, ये अपोजिट साइड है ये एम एन, तो अपोजिट साइड ऑफ एंगल एल कौन सी लिखेंगे हम, एम एन लिखेंगे, बराबर। और हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कौन सी है, एल एन, ये हाइपोटेनियस है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एल एन, एम एन बाय एल एन, यही आ गया हमारा साइन 50 रेशो। देयर फोर साइन 50 इक्वल टू एम एन बाय एल एन। अभी हमें कॉस रेशो लिखना है 50 इस एंगल का, ओके। 50 कहाँ पे है, यहाँ पे है, इस एल इस एंगल का 50 रेशो लिखना है, तो कॉस 50 को हम यहाँ पे कॉस एल ऐसा भी लिख सकते हैं, ओके, कॉस 50 और कॉस एल भी लिख सकते हैं। अभी एल इस एंगल का हमें कॉस रेशो लिखना है, तो इस एंगल की एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस लेंगे हम। अभी एल इस एंगल की एडजेसेंट साइड कौन सी है, यह है एल एंगल, एल इस एंगल की ये और ये दोनों एडजेसेंट साइड है, पर ये हाइपोटेनियस है, इसलिए हम ये लेंगे एल एम, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एल एम बाय हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कौन सी है, ये एल एन, एल एन, एल एम बाय एल एन, यही हो गया कॉस 50 रेशो, कॉस 50 इक्वल टू एल एम बाय एल एन। थर्ड वन हमें टेन 40 रेशो लेना है, टेन 40, 40 ये एंगल है, एंगल एन, ओके, तो हम टेन 40 की जगह टेन एन भी लिख सकते हैं, राइट कर लिया, ओके। अभी टेन एन रेशो अगर हमें लेना है, तो एन इस एंगल का अपोजिट साइड बाय एन इस एंगल की एडजेसेंट साइड लेनी होगी, क्योंकि टैन रेशो लिखते टाइम हम क्या करते हैं, अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। अगर टैन रेशो एन एंगल का लेना है,
तो अपोजिट साइड एन एंगल की बाय एडजेसेंट साइड ऑफ एन एंगल हम लेंगे। अभी एन इस एंगल की अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड हम देख लेते हैं। एन एंगल, एन एंगल की अपोजिट साइड ये और एन एंगल की एडजेसेंट साइड ये। अपोजिट साइड एल एम और एडजेसेंट साइड एम एन, एल एम बाय एल एन। अभी फोर्थ वन हमें कॉस 40 ये रेशियो लिखना है। 40 यही एंगल एंगल एन है, इसीलिए हम कॉस 40 को कॉस एन ऐसा लिखेंगे पहले। उसके बाद में देखो कॉस एन रेशियो अगर हमें लेना है तो एंगल एन की एडजेसेंट साइड पर हाइपोटेनियस लेना होगा। यह है एंगल एन, एंगल एन की एडजेसेंट साइड ये है एम एन और हाइपोटेनियस है एल एन, तो एम एन बाय एल एन लेंगे हम। एम एन बाय एल एन, ओके। ये है हमारा कॉस 40, कॉस 40 इक्वल टू एम एन बाय एल एन। क्वेश्चन 4 है, इन द फिगर एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल पी क्यू एस इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल पी आर क्यू इक्वल टू अल्फा एंड एंगल क्यू पी एस इक्वल टू थीटा। राइट द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमें राइट करना है। फर्स्ट साइन अल्फा, कॉस अल्फा, टेन अल्फा, ये तीनों रेशो राइट करने हैं। तो फिगर हमने ड्रॉ की, साइन अल्फा देखो ये अल्फा एंगल है, इस अल्फा एंगल का साइन रेशो हमें राइट करना है। ये अल्फा एंगल एंगल आर बी है, तो साइन अल्फा को हम साइन आर बी लिख सकते हैं और आर यही एंगल को हम साइन एंगल पी आर क्यू ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो पी आर क्यू, आर एंगल ही है, ओके। तो साइन एंगल पी आर क्यू हम ऐसा भी लिख सकते हैं। अभी इस आर एंगल का साइन रेशो अगर हमें राइट करना है तो साइन रेशो में हम क्या लेते हैं, अपोजिट साइड ऑफ एंगल आर बाय हाइपोटेनियस लेते हैं। तो इस पी आर क्यू, इस ट्रायंगल का आर इस एंगल की अपोजिट साइड कौन सी है, आर एंगल की अपोजिट साइड पी क्यू, एंड आर एंगल की हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस साइड कौन सी है, ये पी आर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी क्यू बाय पी आर। अल्फा कितना आ गया, साइन अल्फा इक्वल टू पी क्यू बाय पी आर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन अल्फा इक्वल टू पी क्यू बाय पी आर। कॉस रेशो अल्फा इस एंगल का, कॉस अल्फा ये एंगल कॉस आर बी है, ओके। तो इस कॉस अल्फा को हम कॉस आर बी लिख सकते हैं और आर यही एंगल हमारा एंगल पी आर क्यू बी है, ओके। हमने साइन अल्फा में देखा है, अभी हमारा आर एंगल एंगल पी आर क्यू ही है। तो हम एंगल पी आर क्यू की कॉस रेशो लेना है, इसीलिए इसी एंगल की एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस लेंगे, ओके। एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल पी आर क्यू बाय हाइपोटेनियस। अभी हम पी आर क्यू इस एंगल की एडजेसेंट साइड देख लेते हैं और हाइपोटेनियस साइड देख लेते हैं। पी आर क्यू ये एंगल, इस एंगल की एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड है ये, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस लेना है ना, तो आर क्यू बाय पी आर लेंगे हम, आर क्यू बाय पी आर, ओके। और यही है हमारा कॉस अल्फा रेशो, कॉस अल्फा इक्वल टू आर क्यू बाय पी आर। अभी हमें टैन रेशो लेना है अल्फा इस एंगल का, एंगल अल्फा एंगल आर बी है, तो टैन अल्फा को हम टैन आर बी लिख सकते हैं और आर ये एंगल एंगल पी आर क्यू ऐसा भी हम इस आर एंगल को लिख सकते हैं, एंगल पी आर क्यू, ओके। अभी इस आर एंगल का टैन रेशो अगर हमें लेना है तो इस आर एंगल की अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड लेंगे, क्योंकि टैन रेशो में हम क्या करते हैं, अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड लेते हैं। टैन ये रेशो आर इस एंगल का अगर लेना है तो इस आर एंगल की अपोजिट साइड बाय आर एंगल की एडजेसेंट साइड हम लेंगे, ओके। अभी एंगल आर एंगल की अपोजिट साइड है पी क्यू और आर एंगल की एडजेसेंट साइड है आर क्यू, तो पी क्यू बाय आर क्यू लिखेंगे हम, पी क्यू बाय आर क्यू, ओके। और ये है हमारा टैन अल्फा रेशो,
टेन अल्फा इक्वल टू पी क्यू बाय आर क्यू, साइन थीटा कॉस थीटा एंड टेन थीटा, ये तीनों रेशो भी राइट करने हैं। अभी साइन थीटा एंगल देख लेते हैं हम। ट्रायंगल, ये एंगल है इस ट्रायंगल का, ओके। ये क्यू पी एस, इस पी एंगल को, इस थीटा एंगल को हम पी एंगल भी बोल सकते हैं और इस पी एंगल को हम एंगल क्यू पी एस भी बोल सकते हैं। साइन थीटा रेशो हमें लेना है, थीटा एंगल, एंगल पी बी है और पी एंगल को हम एंगल क्यू पी एस ऐसा लिखेंगे। पी इस एंगल का साइन रेशो अगर लेना है तो साइन रेशो में हम क्या करते हैं, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूस लेते हैं। तो साइन ये रेशो हमें अगर पी एंगल का लेना है तो अपोजिट साइड हम एंगल पी की ही लेंगे और उसको हाइपोटेन्यूस से यहाँ पे नीचे। अभी साइन पी, पी इस एंगल की अपोजिट साइड कौन सी है और हाइपोटेन्यूस कौन सी है ये राइट कर लेते हैं। टू एस और हाइपोटेन्यूस ये पी एस, तो क्यू एस बाय पी एस हम लिखेंगे, एस बाय पी एस। कॉस थीटा रेशो लेना है, कॉस थीटा, इस थीटा एंगल को हम एंगल क्यू पी एस एंगल भी बोल सकते हैं, थीटा एंगल क्यू पी एस ही है, ओके। क्यू पी एस में ये पी एंगल, इसका हमें कॉस रेशो अगर लेना है, कॉस रेशो लेते टाइम हमें एडजेसेंट साइड ऑफ हाइपोटेन्यूस लेते हैं। पी एंगल का कॉस रेशो अगर लेना है तो इस पी एंगल की एडजेसेंट साइड पर हाइपोटेन्यूस लेंगे हम। तो पी एंगल की एडजेसेंट साइड और हाइपोटेन्यूस साइड हम देख लेते हैं। देखो क्यू, इस एंगल की, इस थीटा एंगल की एडजेसेंट साइड और हाइपोटेन्यूस साइड हमें देखनी है। तो इसकी एडजेसेंट साइड ये भी है और ये भी है, पर ये हाइपोटेन्यूस है इसलिए हम ये लेंगे पी क्यू और हाइपोटेन्यूस लेंगे हम पी एस, पी क्यू बाय पी एस बाय पी एस। अभी हमें टेन थीटा रेशो लेना है, थीटा ये एंगल, एंगल पी क्यू पी एस भी है तो टेन थीटा को हम टेन एंगल क्यू पी एस भी लिख सकते हैं। अभी ये पी एंगल का अगर हमें टेन रेशो लेना है तो टेन रेशो लेते टाइम हम अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड लेते हैं। तो पी एंगल का टेन रेशो लेते टाइम हम क्या करेंगे, पी इस एंगल की अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड लेंगे हम, ओके। तो हम पी इस एंगल की अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड देख लेते हैं। यस, ये पी एंगल, इसकी अपोजिट साइड है क्यू एस और इस एंगल की एडजेसेंट साइड है पी क्यू, क्योंकि एडजेसेंट साइड दो है उनमें से ये हाइपोटेन्यूस है इसलिए हम ये एडजेसेंट साइड लेंगे। तो क्यू एस बाय पी क्यू लिखेंगे हम, यस बाय पी क्यू। तो यहीं पे हमारा प्रैक्टिस सेट फिनिश हो रहा है। तो बच्चों आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो और हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। इयत्ता 9वीच्या मराठी सेमी आणि इंग्रजी या माध्यमांच्या सर्व विषयांच्या स्वाध्यायाच्या नवनवीन व्हिडिओसाठी चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा, व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा आणि वर्गमित्रांना शेअर करा।